हेलो दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज की बड़ी खबरों का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सास बहुओं के लिए, कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आपको देखने को मिलने वाली है। कुछ अलर्ट भरी खबरें भी जानेंगे, सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाओं की जानकारियां भी लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज एकादशी की तिथि है। 5 अप्रैल को आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि आज के दिन व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। श्री हरि का पूजन, मंत्रों का जाप पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार का हर सदस्य पापों से मुक्ति पाता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का आज व्रत रखा जाएगा। पुराणों में कहा गया कि एकादशी व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का महत्व बताया था। साथ ही आपको बता दें, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल यानी सोमवार को लगेगा। 500 साल बाद सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है। 4 राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी देने वाला होगा। धन दौलत में इजाफा, नौकरी व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 4 राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। धनु राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि और मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण और चतुर्ग्रही योग बहुत ही बड़े लाभ दे सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो रहे हैं और उसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। अभी विक्रम संवत 2080 चल रहा है और 9 अप्रैल से विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो जाएगी। इस संवत के राजा मंगल और मंत्री शनिदेव होंगे। नववर्ष भी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के जातकों के लिए अति शुभ बताया गया है ना दोस्तों। और इन खबरों के अलावा आपको बताएं, राम मंदिर में अब तक 1.5 करोड़ भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। विदेशी भक्तों की संख्या भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में करीब 500 सालों के बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही भक्त बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। विदेशी भक्तों की संख्या भी लगभग 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि रामनवमी के दिन अयोध्या में करीब 40 लाख भक्त पहुंच सकते हैं और इसके लिए प्रशासन भी पूरी से काम कर रहा है। भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसलिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। चलिए अपडेट खबर आ रही है, शिमला कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में गुरुवार की रात भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता रही। यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिले में गुरुवार की रात 9:35 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक लगे झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए, खुली जगहों पर पहुंच गए। वहीं कहा जा रहा है कि भूकंप के तेज झटके पंजाब और हरियाणा में भी कई जगहों पर महसूस किए गए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, दिल्ली एम्स को बड़ी कामयाबी मिली है। अब एक ही डोज इंजेक्शन से गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का सफल इलाज हो सकेगा। गर्भावस्था में एनीमिया एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन अब केवल एक सिंगल डोज इंजेक्शन लगेगा जिससे मध्यम और गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का इलाज हो पाएगा और ये महिलाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। अभी 5 से 6 टीके लगाए जाते हैं। ये टीका जल्द ही राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। शोध में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति जी ने पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की है। कम लागत में कैंसर का इलाज हो पाएगा। कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती एक गंभीर बीमारी है जिसका जोखिम साल दर साल बढ़ता देखा जा रहा है। कैंसर का मृत्यु दर भी अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुरुवार को कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत की है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित ये जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, कोविड से भी 100 गुना बदतर महामारी आने वाली है। इस बीमारी ने कैसे बजाई खतरे की घंटी। दरअसल आपको बता दें, गाय, बिल्ली और मनुष्यों सहित विभिन्न स्तनधारियों में कई H5N1 संक्रमण पाए गए हैं और इसके चलते वैज्ञानिकों ने वायरस पर रिसर्च शुरू किया और ये वायरस मनुष्यों के बीच अधिक आसानी से फैल रहा है। विशेषज्ञ बर्ड फ्लू महामारी की संभावना पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उनका कहना है कि ये महामारी भी बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन सबसे ज्यादा गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है और कहा कि इसका फेटेलिटी रेट 52% है। अभी हाल ही में इस नए स्ट्रेन से संक्रमित करीब 30% व्यक्तियों की जानें चली गई हैं। अभी हालिया कुछ ऐसे मामले आए जिनमें ये बातें सामने आई हैं। अमेरिका में भी हाल ही में गाय, बिल्ली और मनुष्यों समेत विभिन्न स्तनधारियों में H5N1 संक्रमण का पता चला है। वही दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, सब्जी में नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, क्रूरता है या नहीं। सास और बहू के इस तरह के झगड़ों पर हाईकोर्ट ने अनूठा फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता सास ने अपनी याचिका में बहू द्वारा IPC की धारा 498A, IPC की धारा 34 और दहेज
दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी हालिया एक फैसले में कहा कि सास द्वारा अपनी बहू को घर के रोजमर्रे के काम में टोकना या सब्जी में नमक कम मिर्ची ज्यादा जैसे सवाल पूछना न तो गलत है और न ही ये कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सास के खिलाफ दायर FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। मतलब सासू माँ की जीत हुई है और जो घर में छोटी छोटी बातें होती है कि सब्जी में नमक कम है मिर्ची ज्यादा है तो ये एक क्रूरता नहीं है, हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, संदेश काली का इंसाफ होगा, गुनहगारों की जिंदगी जेल में कटेगी। कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। कूच बिहार रैली में पीएम मोदी ने संदेश काली का मुद्दा उठाया। CAA को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा, नागरिकता देना मोदी की गारंटी। 6 अप्रैल को पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे, कार्यक्रम में भारत की झलक दिखेगी। आज शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी जो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की भी बैठक हुई, पार्टी के संकल्प पत्र पर जल्दी मुहर लगेगी। विश्व की तीसरी बड़ी ताकत बनेगा भारत, पिथौरागढ़ में चुनावी सभा में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार 4 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के CM पद से हटाने की मांग की गई थी। CM पद से हटाने की ये दूसरी याचिका भी खारिज हो गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है। संजय सिंह ने कहा कि वो शुक्रवार की सुबह 10 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे और कई खुलासे करेंगे। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के सविता ने राव चवनी कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार, ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है। देश के 6 राज्यों में लू चल रही है, तापमान 43 डिग्री। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश की संभावना है, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी फिलहाल जारी है। देश के 6 राज्यों में हीट वेव चल रही है, इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। मौसम विभाग ने कहा कि 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बरसात हो सकती है। IPL में पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब की लगातार 2 हार के बाद ये पहली जीत हुई है। मुंबई इंडियंस के बैटर सूर्य कुमार यादव IPL में टीम के लिए खेलने के लिए तैयार है। क्रिक बच की एक रिपोर्ट के मुताबिक NCA ने सूर्य कुमार यादव को फिट बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अंतर धार्मिक जोड़े के लिव इन संबंधों को विवाह की तरह मंजूरी नहीं। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने अयोध्या के अलग अलग धर्म वाले युवती व युवक की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें युवक के खिलाफ युवती को बेला फुसला कर भगा ले जाने के आरोपों में दर्ज FIR को रद्द करने का आग्रह किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने POK और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्री ने कहा कि POK भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का रुख है। ऐसे में अगर पड़ोसी देश की तरफ से सीमा पार कुछ भी गलत हरकत हुई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। मैगी नूडल्स मामले में सरकार को झटका लगा है। नेस्ले से 640 करोड़ का हर्जाना मांगने की याचिका खारिज हो गई है। NCDRC ने नेस्ले इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है। आपको मालूम होगा 2015 में मैगी पर 6 महीने का बैन लगा था। रक्त का यानी ब्लड का सैंपल लेते और इंजेक्शन लगाते समय नीडल सिरिंज से कभी कभी होने वाले हेपेटाइटिस और HIV रोग से स्वास्थ्य कर्मचारियों को बचाया जा सकेगा। एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिस्पोजेबल और ऑटो डिसेबल सिरिंज लॉन्च हुई है जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी, संक्रमण से बचाने में मददगार होगी। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, प्याज टमाटर के दाम बढ़ने से मार्च में वेज थाली महंगी हुई है। 7% तक थाली के रेट बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से गेहूं खरीद को 7 गुना करेगी सरकार, 48 घंटों में पैसा ट्रांसफर भी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को UP, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है। ब्रिटेन ने श्रमिक वीजा के लिए उच्च वेतन सीमा लागू कर दी है। अब कुशल श्रमिकों के लिए वेतन सीमा 26,200 पाउंड से बढ़कर 38,700 पाउंड हो जाएगी। यानी ब्रिटेन में कुशल श्रमिक वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों सहित विदेशी श्रमिकों के लिए यह अच्छी खबर है। कुल मिलाकर वेतन में 48% तक की वृद्धि होगी। भारतीय सेना को आकाश तीर प्रणाली मिली है। जमीन से लेकर हवा तक सीमा की हिफाजत करना आसान होगा। आकाश तीर एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर और रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करते हैं। करंट अफेयर से जुड़े सवाल बनते हैं इसलिए हम आप लोगों के लिए अपडेट्स लाते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई पूरी।
कोर्ट ने 18 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली में आने वाले समय में वाहन चालकों को अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, संस्थागत भवन, किराना स्टोर, बाजार, दुकान, मॉल, कैफेटेरिया आदि के आसपास ईवी चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिल जाएंगे। इस साल के आखिर तक निगम की ओर से 573 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं। चार धाम यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहे हैं। यात्रा के लिए ऋषिकेश में वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। मई महीने से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चार धाम यात्रा प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से धाम में QR कोड उत्पाद बिकेंगे। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक पैकिंग, पेय और खाद्य पदार्थों की बिक्री QR कोड के माध्यम से होगी। बैंक कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से बैंक कर्मचारियों ने नए पदनाम के साथ काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय बैंक संघ और बैंकों के संयुक्त मोर्चा के बीच अन्य समझौतों के साथ पदनाम बदलने पर भी सहमति बनी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। यानी बैंकिंग इतिहास में दूसरी बार बैंक कर्मचारियों के नाम 1 अप्रैल से बदल गए हैं और इस संबंध में सभी बैंकों में गाइडलाइंस लागू भी हो गई हैं। स्वीपर, AC ठीक करने वाले, इलेक्ट्रीशियन को अब हाउस कीपर कहा जाएगा। चपरासी को ऑफिस असिस्टेंट के नाम से पुकारा जाएगा, जबकि क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो गए। UP बोर्ड के छात्र नंबर बढ़वाने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहें, बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग पैसों के बदले नंबर बढ़ाने का लालच दे रहे हैं, विद्यार्थी सावधान रहिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। सेंसेक्स 74,501 और निफ्टी 22,619 का ऑल टाइम हाई बना। बैंक और IT सेक्टर के शेयरों में तेजी दिखी। HDFC बैंक निफ्टी का टॉप गेनर रहा। 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली है। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ शून्य हो गई है। एक साल पहले यानी कि 4 अप्रैल 2023 को उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन यानी तब करीब 17,545 करोड़ थी। फोर्ब्स की बिलेनियर इंडेक्स 2024 में ये जानकारी सामने आई है। राजस्थान में आज से शुरू होगी होम वोटिंग। 12 सीटों पर 36,000 से ज्यादा वोटर्स घर पर ही वोटिंग करेंगे। 16 अप्रैल तक मौका रहेगा। बसपा ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। रायपुर में 7 अप्रैल को 12वीं के स्टूडेंट के लिए विशेष वर्कशॉप आयोजित होने वाली है। यहाँ CBSE और ICSE बोर्ड के 12वीं के बच्चों को एक्सपर्ट निःशुल्क करियर गाइडेंस देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी बच्चों को हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ₹20,000 का चेक भी दिया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा न हो। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। गूगल करके आप इस खबर की और विस्तार से जानकारी देख सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले मैतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी हो गई है, महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। साथ ही छत्तीसगढ़ में नए सत्र से नई व्यवस्थाएं लागू होगी। BA, BSc और BCom के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में खेलकूद बढ़ेंगे। NCC और NSSV। हरियाणा में फर्जी डिग्री पर 1.25 साल सरकारी नौकरी कर ली, परिवहन विभाग में ट्रैफिक मैनेजर बन गया। हिमाचल की यूनिवर्सिटी की डिग्री फर्जी निकली है। रेलवे में अप्रेंटिस का शानदार मौका चल रहा है। 10वीं पास, ITI पास, युवाओं के लिए मौका है। हिमाचल प्रदेश में पहली और दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम बदल गया है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। महिंद्रा ने SUV 3XO की पहली झलक दिखाई है और जल्द ही इसे पेश किया जाएगा, इस तरह के अपडेट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। 8 अप्रैल को NSE केस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए NSE 4 नए सूचकांक को लॉन्च करेगा। CBSE के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। CBSE ने 11वीं और 12वीं क्लास का एग्जाम फॉर्मेट बदल दिया है। कॉन्सेप्ट आधारित सवालों की संख्या बढ़ेगी। मारुति सुजुकी की कारों पर अप्रैल 2024 में डिस्काउंट मिल रहा है, आप भी फायदा ले सकते हैं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। 7 राज्यों में हुए ओपिनियन पोल में रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट बाइडेन पर बढ़त बनाई है। डीमार्ट कंपनी से जुड़ी खबर आ रही है। शेयर में आई तेजी के बाद डीमार्ट का MCAP 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। जानी मानी टेलीकॉम कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए मोबाइल क्लाउड गेमिंग सेवा को लॉन्च किया है, जिसे क्लाउड प्ले नाम दिया गया है। टेलीकॉम कंपनी VI भारत के टॉप ऑपरेटर में गिनी जाती है, जो अब क्लाउड गेमिंग मार्केट में कदम रख रही है। OnePlus ने अपना पहला AI टूल पेश किया है। कई स्मार्टफोन में AI फीचर मिलेगा। Hyundai ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा SUV को पहले से ही महंगा कर दिया है। नई कीमतों का असर क्रेटा के सभी वेरियंट पर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल वर्जन में Hyundai ने एंट्री लेवल ई वेरियंट की कीमत वही रखी है। RML लखनऊ में 665 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती चल रही है। भारत में सर्विस सेक्टर में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। मार्च 2024 में 13 साल के उच्चतम स्तर पर ग्रोथ पहुंच गई है। भारत ने उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई PD की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। पंजाब से जुड़ी खबर, अब महिलाएं खेतों में ड्रोन से स्प्रे करेंगी, साथ रुपए भी कमाएंगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर का कोटा तय किया है। अब एक महीने में 2 से अधिक लेने पर आपको ये काम करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर का पहले से ही कोटा
कोटा तय कर दिया था। साल में केवल 12 नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर लिए जा सकते हैं, यानी 12 महीने में 12 सिलेंडर ही मिलेंगे। इससे ज्यादा सिलेंडर की जरूरत होने पर तेल कंपनियों ने 3 और सिलेंडर देने का प्रावधान किया, लेकिन इन सिलेंडर के एवज में उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिलेगी। कोविड महामारी के दौरान डिग्री पूरी न कर सके छात्रों को एक और मौका, 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा अपडेट है। गाजियाबाद में 18 साल से चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब बायर्स को फ्लैट का मालिकाना हक मिलेगा। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नया नियम, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बनानी होगी आईडी, स्कूलों के लिए भी ये काम जरूरी। माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी बनेगी। राजस्थान से जुड़ी खबर है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा, साथ ही आयु सीमा में 1 साल की कटौती की गई है। और भी कई नए नियम आए, गाइडलाइन में आप जरूर देखिएगा। छात्रों के प्लेसमेंट को लेकर उठे सवालों पर आईआईटी बॉम्बे ने सफाई दी है, सर्वे का डेटा जारी किया। केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्ते में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने मेमोरेंडम जारी किया। दरअसल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अप्रैल 2024 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम OM जारी किया और इसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 तरह के भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें, सरकार ने जनवरी से जून 2024 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया। और अब चलते चलते गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव एक बार फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 10 ग्राम सोना 572 रुपए महंगा होकर 69,936 रुपए का हो गया। चांदी 1,469 रुपए महंगी होकर 79,063 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। और ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो रोज देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए वीडियो, नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।